गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छा रहना भी चाहिए, अभी सभी को घर में ही रहना है और मम्मी पापा को परेशान भी नहीं करना है। आज मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर में कुछ मुख्य पॉइंट पर वीडियो बनाएं। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो है ये दो नंबर का पूछता भी है। तो आइए इसमें क्या क्या नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। व्याकरण सभी का परिभाषा आज मैं बताऊंगा, व्याकरण के बारे में, भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में, मात्राएं के बारे में, शब्द के बारे में, लिंग के वाक्य के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में। आज हम आपको केवल शब्द वाक्य तक ही बताएंगे, ठीक है। आज 19 तारीख है, पांचवा महीना, वर्ष 2021, दिन वेडनेसडे है और समय अभी हुआ 9, सुबह का 9 बजे है। आज नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वीडियो, ठीक है। आइए समझते हैं सभी का परिभाषा, व्याकरण का परिभाषा क्या है। जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना जानते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं, क्लियर। दूसरा भाषा, अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं, क्लियर। इसको एक और भाषा के रूप में जानिए, एक और परिभाषा के रूप में, मन के भावों को प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं, क्लियर। आइए लिपि के बारे में, लिपि का परिभाषा, भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम भाषा कहते हैं। नोट में, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, हर भाषा का अलग अलग लिपि होता है। वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड का परिभाषा समझिए, बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि, ये वर्ण, वर्ण माने अक्षर। वर्णमाला, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे अ से औ तक, क से ह तक, अ से औ तक पढ़िएगा, अ आ ई ई, इस तरह पढ़िए, क ख ग, ये जो पढ़िएगा लगातार तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका वर्णमाला हुआ, ठीक है। उसके बाद स्वर वर्ण, जिस वर्ण को हम, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ ई आदि, अ में कोई दूसरा वर्ण का सहायता नहीं लिया जाएगा। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का परिभाषा, जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, क जोर अ मिलकर हुआ क, ख, ख जोर अ मिलकर हुआ। अब मात्रा, व्यंजन वर्ण अपने आप में अपूर्ण होते हैं, अब इनके साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती है तभी ये पूर्ण होती है, इसी को हम मात्रा कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे आ है, ठीक है, अ लिखते हैं उसमें एक पाई देते हैं तब ना बना आ, छोटी 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 को हर्षी कर कहते हैं, जब आगे से कोई अक्षर में उड़ाते हैं तब तो वो बना हर्षी दीर्घी, कोई अक्षर में जब हम पीछे से उड़ाते हैं तभी तो वो बना दीर्घी, ठीक है, क्लियर। अब आइए सब, सब क्या है, जब कोई वर्ड मिल जाते हैं
तो शब्द बनते हैं, ठीक है, शब्द बनते हैं। वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे क ल म कलम, ठीक है, क ल कल, मतलब वर्णों के कई समूह को